हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद एनी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस मोस्टली आपने देखा डिलीवरी के बाद हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं क्योंकि हम बच्चों को फिटिंग कराते हैं। फिटिंग कराने की वजह से भी ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं और कई बार क्या होता है कि हम गलत ब्रा पहन लेते हैं जिस वजह से हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं वो एक का साइज़ बड़ा हो जाता है, एक का साइज़ छोटा हो जाता है, सही शेप में वो नहीं आते हैं। अगर यही सेम प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो रही है तो आज के मेरे वीडियो में आप सभी के साथ एक ब्रेस्ट सेवियर शेयर करूंगी जो कि काफ़ी मतलब बेस्ट है। तो इस टाइप के जो सेवियर होते हैं ये आपको अमेजोन वगैरह पर फ्लिपकार्ट वगैरह पर ईजिली मिल जाएंगे। ये हमारे ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए काफ़ी मतलब यूजफुल होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो हमारी ब्रा होती है ब्रा से एक नंबर छोटे होते हैं। मोस्टली अगर आप 32 की ब्रा पहनती हैं तो आपको इन्हें 30 साइज में ही ऑर्डर करना होगा, तब जाके ये आपके ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट करेंगे। मोस्टली डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम बहुत सी वुमेन्स में हो जाती है, उनके ब्रेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, तो उनको टाइट करने के लिए सही शेप में लाने के लिए ही इसे यूज़ किया जाता है। ये आपको सही शेप में लाते हैं तो इसे यूज़ कीजिए। और इसमें तीन कलर अवेलेबल है और 30 से लेके 42 तक इसमें साइज है और इसमें आपको ब्लैक, क्रीम और वाइट तीन मिल जाएगा। तो मोस्टली जहाँ तक हो सके आप क्रीम चूज़ कीजिए जो कि आपके हर आउटफिट्स पे चल जाएगा। ब्लैक मोस्टली क्या होता है कि जैसे हम ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनेंगे तो फिर उसमें से दिखता है सकते हैं, और इसको आपको ब्रा पहनने के बाद ऊपर पहनना होता है। बहुत सी गर्ल्स यही कमेंट्स करती है कि इसको कब पहनना होता है, ब्रा से पहले पहनना होता है या ब्रा के बाद में पहनना होता है। तो जब भी आप ब्रा पहन लेती उसके बाद इसे आपको ऊपर से इसे पहनना है जिससे ये आपके ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट कर सके। और अगर पहनना है और इसे आपको ज़्यादा देर तक नहीं पहनना है, 3 to 4 hours तक पहनना है, फिर उतार देना है। अगर आप इसे आप कंटिन्यू पहनेंगी तो आपको ब्रेस्ट पेन भी हो सकता है, तो इसे आपको कंटिन्यू नहीं पहनना है, इसे आपको थोड़ी थोड़ी देर में पहनना है और हो सकता है आपके इस साइड भी रेडिस हो जाए या इस टाइप में आपके पेन होना स्टार्ट हो जाए। तो इसको ज़्यादा देर तक मत पहनना, स्टार्टिंग में आप इसको एक एक घंटे तक पहनना और फिर जब आपको इसकी हैबिट हो जाएगी तब आप इसको 3 to 4 hours तक डेली पहनना। इससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद ही आपके जो ब्रेस्ट हैं वो टाइट होने लग जाएंगे और सही शेप में आने लग जाएंगे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकती हैं। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।